नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो चुका है 4 बजे की चार बड़ी खबरों का। बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी कि काशी में मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जुगनाथ और योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मॉरिशस के पीएम 17 सदस्यीय टीम के साथ शामिल हुए। आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनाथ ने आज सुबह अपने पिता अनिरुद्ध जुगनाथ की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। इसके पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनाथ जनवरी 2019 में वाराणसी आए थे, तब उन्होंने 15वें प्रवास भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मॉरिशस के पीएम ने कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रही। व्यापार और निवेश को लेकर कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। संवाददाता नितिन कुमार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनसे मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, क्या कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है? देखिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ की माताजी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा से रहने वाली हैं और मॉरिशस तक का सफर बलिया से तय किया है प्रविंद्र जगन्नाथ ने। तो लगातार उनका उत्तर प्रदेश से जो नाता है और जो जुड़ाव है वो देखने को मिलता रहा है। इसके पहले भी वो कई बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं। बात करी जाए इस दौरे की, तो 2 दिन पहले प्रविंद्र जगन्नाथ की माताजी का जन्मदिन था, वो विंध्याचल आई थी और उन्हीं के साथ प्रविंद्र जगन्नाथ भी आए थे। और उसके बाद काशी विश्वनाथ आकर के उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए थे, पूजा की थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात को बनारस पहुंचे थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम जाकर सबसे पहले माथा टेका और उसके बाद आज एक अहम बैठक इन दोनों के बीच हुई। प्रविंद्र जगन्नाथ से मुख्यमंत्री की बैठक से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी प्रविंद्र जगन्नाथ से मुलाकात की थी, शिष्टाचार मुलाकात थी। और उसके बाद जो एक अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रविंद्र जगन्नाथ के बीच हुई है वो उत्तर प्रदेश में व्यापारिक निवेश को लेकर की हुई है। उत्तर प्रदेश में कैसे मॉरिशस के निवेश को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो उत्तर प्रदेश से मॉरिशस और मॉरिशस से उत्तर प्रदेश के लिए होता है। तो ऐसे में देश में और उत्तर प्रदेश में मॉरिशस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, जो जितनी भी चीज़ें जो टेक्सटाइल की चीज़ें हो गई हों या फिर जो टेक्निकल की चीज़ें हो गई हों या फिर जितनी भी चीज़ें जो इधर से उधर एक्सपोर्ट करी जाती हैं उन एक्सपोर्ट्स के साथ साथ उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मॉरिशस की कंपनीज का निवेश कैसे कराया जाए, इसी को लेकर के ये एक बैठक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच हुई है। इसके बाद अगर बताया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बनारस में ही हैं। 3 बजे उनका गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम था और 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बताया जा रहा है कि एक श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की है और श्रद्धांजलि सभा महंत प्रेमदास की है। महंत प्रेमदास की श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में वहां पर शिरकत की और उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ आएंगे और उसके बाद आगे का जो कल का जो काम होगा, कल की जो बैठकें होंगी उस पर विचार विमर्श करके उसका रोडमैप तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, ये तो बात रही मुख्यमंत्री के दौरे की और जो भी निवेश को लेकर के मॉरिशस के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। अगर बात किया जाए कि जिस तरह से उन्होंने अपने पिता के अस्थियों को प्रवाहित किया वाराणसी में, इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो कल्चर है, हालांकि वो उत्तर प्रदेश के बलिया के ही है, ये कल्चर मॉरिशस में कितना बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश का जो अपना कल्चर है, जो भी तौर तरीके हैं। देखिए, बलिया से लेकर के मॉरिशस तक का सफ़र प्रविंद्र जगन्नाथ और उनके परिवार, उनके माता पिता ने तय किया है। इसके पहले अगर बताया जाए तो जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने
आज से करीब 3 से 4 साल पहले एक पूरे डेलीगेशन को मॉरिशस से बलिया भेजा था, और बलिया में उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि जो उनके पूर्वज हैं, क्या उनके पूर्वज अभी हैं या नहीं हैं। काफ़ी उस मामले में देखा गया था कि पूरी टीम आई थी और पूरी टीम ने जांच पड़ताल की थी, पता लगाया था, काफ़ी कुछ लोग मिले भी थे जो कि प्रवीण जगन्नाथ के रिलेटिव्स रहे हैं। प्रवीण जगन्नाथ की माता अभी जब विंध्याचल गई थी, उन्होंने जब माथा टेका था, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जो माँ कहेंगी वही होगा। तो जाहिर सी बात है, जो इंडिया का कल्चर है वो अब मॉरिशस तक भी पहुँचा है और मॉरिशस की शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष कुर्सी तक पहुँचा हुआ है प्रवीण जगन्नाथ के रूप में। प्रवीण जगन्नाथ के पिता और माता जी भी, राजनीतिक करियर उनका रहा है मॉरिशस में, वो भी कई अहम पदों पर मॉरिशस में रहे हैं, उन लोगों ने भी कई सारी जिम्मेदारियां मॉरिशस में निभाई हैं, और उसके बाद अब प्रवीण जगन्नाथ भी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश और भारत से नाता जुड़ा रहा उनका, जहाँ के वो हैं बलिया के रसड़ा के, वहाँ से उनका नाता जुड़ा रहा। काशी विश्वनाथ धाम वो आए थे, उनकी माता जी ने विंध्याचल में माथा टेका है। तो ये सारा जो कल्चर है, ये कहीं ना कहीं दूसरे देशों तक भी पहुँचा है, और इस कल्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश का विकास कैसे हो, कैसे निवेश बढ़े, कैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको और विस्तार दिया जा सके, इसको लेकर के चर्चा और विचार विमर्श लगातार प्रवीण जगन्नाथ, उनकी माता जी, उनके परिवार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच होते रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक ये उत्तर प्रदेश में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, उस निवेश को लेकर के ये अहम बैठक हुई थी वाराणसी में, जिसमें कई सारी अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि जो बिजनेस है मॉरिशस का, उस बिजनेस को उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश कराया जाए, कैसे उसे विस्तार दिया जाए, कैसे उसे बड़े पैमाने पर और विस्तार किया जाए, विस्तृत किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं निवेश भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा, और इसके अलावा जो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है उसमें भी विस्तार आएगा। तो कई सारे मायने इस मुलाकात के निकलकर सामने आए हैं, और इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में 2 साल से बंद सपा विधायक आजम खां से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जेल पहुंचे। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब आजम खां खेमे से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश के खिलाफ बागी रुख अपनाए हुए हैं। करीब 1.25 घंटे तक चली इस मुलाकात में जेल से निकले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ पहली बार सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर भी हमला बोला है। ये पहली बार हुआ है जब शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह पर के लिए भी कुछ बातें कही हैं। हालांकि बातें अगर आजम खां की करें तो आजम खां कुछ नाराज भी नजर आ रहे थे अखिलेश यादव से। लोगों का ये भी कहना है कि आजम खां को जितना सपोर्ट करना चाहिए उतना अखिलेश यादव सपोर्ट नहीं कर रहे। हाल ही में जयंत चौधरी भी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मुलाकात किए थे आजम खां के बेटे से, अब्दुल्ला खां से। तमाम ऐसी खबरें जो है वो सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। विपक्षी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की मेन विपक्षी पार्टी, उससे जुड़े हुए कई खबरें सामने आ रही है। इस बीच शिवपाल यादव से आजम खां का, शिवपाल यादव का आजम खां से मिलने जाना एक बेहद ही अलग तरह का रुख दिख रहा है। अखिलेश यादव से जब इस बारे में बात की गई तो फिलहाल उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया है। अखिलेश यादव का कोई रुख अभी तक इस मुलाकात पे नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव ने आजम खां से जेल में जाकर के मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने जो कुछ भी बातें कही है, पहली बार मुलायम सिंह के लिए जो भी कुछ बातें कही हैं, एक बदलाव की ओर इशारा भी करता है। हालांकि ये सारी बातें तभी क्लियर होगी जब कोई स्पष्ट बयान या फिर कोई स्पष्ट बात शिवपाल यादव की तरफ से आएगा। छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे मुकदमे, अब केवल एक मुकदमा बचा है। एक मुकदमा बचा है केवल, 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, बात आपकी हुई, हो गई, आपके साथ जा रहे हैं। अब हम तो साथ हैं, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुनीश तिवारी श्वेतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके। सुनीश, कितने देर तक यह मुलाकात चली है और जेल के बाहर आकर शिवपाल यादव ने क्या कुछ बयान दिया है? आजम शिवपाल यादव आजम खान से सुबह मुलाकात करने पहुंचे, जिससे राजनीतिक जो गलियारों में थी वो पहले से ही हलचल मची हुई थी और अब एक हलचल और सी मची कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो कि आजम खान हो चाहे अपने चाचा शिवपाल यादव हो, दोनों से नाराजगी जाहिर करते हैं, जिससे आज शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की और एक ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं शिवपाल यादव जो है आजम खान को अपने साथ ना मिला लें, क्योंकि दो दिन पहले अखिलेश यादव का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी में जा रहे हैं वो सपा के नहीं है, वो बीजेपी के ही हो जाएं, जिससे ये एक स्पष्ट हो रहा है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनके चाचा, वो भी जानते हैं कि उनके चाचा शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आजम खान भी उनकी राह पर चल सकते हैं, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई जो एक घंटे तक चलती रही और जिसमें कि शिवपाल यादव जब जेल सीतापुर जेल से बाहर निकले, जिसमें उन्होंने मीडिया बंधुओं से भी वार्ता करते हुए बताया कि आजम खान एक अनुभवी नेता हैं और जिनसे वो जो इनको जेल में पड़े हैं उनसे इनका साथ सपा सरकार नहीं दे रही थी और अब जो शिवपाल यादव हैं उन्होंने साफ और स्पष्ट कर दिया कि वो आजम खान के साथ हैं। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में शिक्षा को लेकर काफी जागरूक है। यही वजह है कि उन्होंने श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, लेकिन कई जनपदों में योगी सरकार के आदेशों का पलीता लगाया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला चंदौली से सामने आया है जहां बच्चों को बांटे जाने वाले सैकड़ों जूते कबाड़ में फेंके हुए हैं, जबकि बुलंदशहर में पढ़ाई की जगह स्कूल में शौचालय साफ करती छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक बेहद ही निंदनीय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से सपा नेता अनुराग भदौरिया ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। हालांकि अनुराग भदौरिया विपक्षी पार्टी से है, उनका काम है कि पक्ष के जो भी काम सही ढंग से नहीं हो रहे हैं उनको उजाले में लाना, उन्हें उजागर करना, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो अभियान है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चे को शिक्षा का हक है, हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, उसके बावजूद भी जिस तरह से बच्ची शौचालय साफ करती हुई नजर आई है, एक बेहद ही निंदनीय है। ये जो शिक्षा अभियान है उस पर पलीता लगाया जा रहा है, साथ ही साथ सैकड़ों जूते जो बच्चों को बांटने के लिए आए थे वह कबाड़ में फेंके मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ करके आता है कि जूते बांटे नहीं गए या फिर जूते लेने से इनकार कर दिया गया है, कबाड़ में मिले ये जूते कई सवालिया निशान जो है वो शिक्षा महकमे पर खड़ा करता है। शिक्षा महकमे पर बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा ये दोनों वाक्या करता है कि एक तरफ जहां जूते कबाड़ में फेंके गए हैं और दूसरी तरफ बच्ची शौचालय साफ कर रही है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं चंदौली और बुलंदशहर का वीडियो, चंदौली में किस तरह से सैकड़ों जूते कबाड़ में फेंके गए हैं। ये वह जूते हैं जो बच्चों को बांटने के लिए आते हैं, इस जूते को पहनकर बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म के ये जूते हैं। आप बुलंदशहर का भी जो तस्वीर है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक बच्ची जो है वो शौचालय साफ करती हुई नजर आ रही है। जो नेता है अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, उन्होंने यह ट्वीट किया है, ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर कि किस तरह से शिक्षा नीति पर शिक्षा विभाग द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने यह आता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। संवाददाता चंदौली से अजीत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से सैकड़ों जूते कबाड़ में मिले हैं और एक बच्ची शौचालय साफ करती हुई नजर आ रही है, प्रशासन का इस पे क्या कुछ कहना है? शिक्षा विभाग की कोई जवाबदेही आई अभी तक? मैम आपको हम बता दें कि साहबगंज थाने का ये पूरा साहबगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की मिल रही है और हम कई बार अवगत भी कराएं एबीएसए को, बल्कि एबीएसए मौके से बच रहे हैं। आज मैंने वहां पर मौके पर गए थे और मौके पर जाने के बावजूद भी वो वहां से फरार हो गए और हमसे बातचीत नहीं कर पाए और
कहीं न कहीं बच्चों के पढ़ने वाली किताब और जूते जो बांटे जाते हैं, जूते और किताब जो कूड़ेदान में फेंके जा रहे हैं, ये बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की मिल रही है। और कहीं न कहीं बुलंदशहर की बात करें तो एक झाड़ू मरवा रहे, कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की बहुत ही लापरवाही सामने आ रही है। जो टीचर है स्कूल के, जहां ये बच्चे शौचालय साफ करती हुई नजर आई है, अजीत, टीचरों का क्या कुछ कहना है, क्या किसी टीचर से आपकी बात हो पाई? सर मैंने, मैम कई बार मैंने टीचर से बात किया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहां पर जाने पर टीचर डायरेक्ट बोलते हैं कि जो करना है कर लीजिए, मतलब कि उनका मतलब कि गलत बिहेवियर है, मतलब कि गलत वर्ड का प्रयोग करना, कहीं ना कहीं उनका बहुत मतलब कि कोई एबीएससी का इसमें मिला जुला है, जिसके कारण से ये मन बढ़क बोल रहे हैं और बच्चे के से काम भी करवाते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की देखने को आ रही है, जो इस पे प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। अजीत, ये जो जूते हैं स्कूल के बच्चों के, जो इन्हें बांटने के लिए आते हैं, बच्चों को स्कूली जूते ये बांटे जाते हैं, उनके यूनिफॉर्म के लिए काम आते हैं, ऐसे में जब आपने बात करी पेरेंट्स के से, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं कि जूते फेंके हुए मिले हैं, उनके बच्चों को जूते मिले या नहीं मिले, तो जो अभिभावक है, बच्चों के पेरेंट्स है, उनका क्या कहना है इस पर? मैंने अभिभावक से कई बार बात किया, उन्होंने बोला कि अभी जो बच्चे को जूते बांटने के लिए आए और किताब बांटने के लिए आए, ये लोग बांटे नहीं है, उसको फेंक दिए हैं, उसका बजट बना के सीधा अथवा पास कर दिए। इसमें सबसे बड़ी धांधली मिल तो रही है एबीएससी की, जहां कहीं न कहीं लापरवाही बड़ी आ रही शिक्षा विभाग की। और हम कई बार अवगत भी कराए, उनसे बात भी किए, आज बात करने गए थे, लेकिन मौके से ऑफिस से वो फरार हो गए, बचते हुए नजर आ रहे हैं एबीएससी साहब। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत। फिलहाल आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है ये। खबर एटा से है, जहां किडनी निकालने वाले गिरोह का काला कारनामा सामने आया है। इस मामले पर पीड़ित पक्ष का कहना है कि युवक को अगवा करके उसे लखनऊ ले जाया गया, जहां उसका किडनी निकाल ली गई। वहीं इस मामले पर पीड़ित के आरोपों की जांच के लिए एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तो रही बात कार्रवाई की, लेकिन जो व्यक्ति है जिसकी किडनी निकाली गई है, उसके साथ ये कितना बड़ा घोटाला है, कितनी बड़ी धांधली है। और सबसे बड़ा सवाल उठ करके यह आता है कि अगर युवक को अगवा कर करके किडनी निकालने के लिए लाया गया लखनऊ, तो कौन सा ऐसा संस्थान है, कौन से ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने इसकी किडनी निकाली? एक बड़ा गिरोह ये भी है जो किडनी निकाल रहा है बिना अनुमति के किडनी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो किडनी निकालने का प्रोसीजर हो है वो एक लंबा प्रोसीजर है, बिना अनुमति और बिना तमाम टेस्ट के किडनी नहीं निकाली जा सकती है। उसके बावजूद भी ये कौन से डॉक्टर हैं लखनऊ में जो किडनी निकाले, जिन्होंने किडनी निकालने की हिम्मत दिखाई है? सबसे बड़ा सवाल उस संस्थान, उस हॉस्पिटल, उस डॉक्टर पर भी उठता है कि किडनी किसने निकाली। फिलहाल यह पूरा जांच का मामला है, और जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन है यह लोग, यह गिरोह कौन है जो इस तरह से युवकों को अगवा करके उनकी किडनी निकालता है। संवाददाता दीपक दीक्षित एटा से इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे बड़ा सवाल यह उठ करके आता है कि जो लोग अगवा किए हैं इस युवक को किडनी निकालने के लिए लखनऊ लेकर के आए थे, इन लोगों का खुलासा क्या हुआ और कहां से हैं ये लोग? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये लोग हबीबपुर का निवासी है, उसको दूसरे मोहल्ला जो श्यामनगर पड़ता है, ईटानगर कोतवाली में, वहाँ का एक व्यक्ति लेकर के गया था। उसके गिरोह में कई लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है और दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिन्हें की जेल भेजा जा रहा है। जी, आपको बता दूं, मैं इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने बताया भी है कि उसे लखनऊ किसी बहाने ले जाया गया था, जहाँ एक अस्पताल में उसके साथ ये घटना घटी है, जहाँ वापस जब घर आया तो देखने पर मालूम पड़ा दर्द उसके सीने में उठा कि उसकी किडनी ही गायब है। दीपक, ये तो रही बात इन लोगों की जिन्होंने अगवा करके उस युवक को ले आया लखनऊ। लखनऊ में क्या इसका पता चल पाया कि लखनऊ में कौन सा ऐसा डॉक्टर है, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल का संस्थान है जिसने किडनी युवक की निकाली? क्योंकि सवालिया निशान उस पर भी खड़ा होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, इस बारे में उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ जारी है, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। जो भी घटना, जो भी बात होगी, वो अगली वार्ता में एसएसपी बताएंगे। अभी जो प्रेस वार्ता थी उसमें उन्होंने बताया कि घटना के जो दो आरोपियों ने गिरफ्तार किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक।
चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।